नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बीजेपी कैंप से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी अपने 100 लोकसभा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने जा रही है 1 से 2 मार्च के बीच में। वहीं पर तमाम ऐसे नेता जो वर्तमान में सांसद हैं बीजेपी के, वो भी उत्तर प्रदेश से, उन सांसदों की धड़कनें तेज हो गई हैं, क्योंकि बीजेपी अपने वर्तमान सांसदों में अधिकतर सांसदों के टिकट काटने जा रही है। और उनमें प्रमुख नाम जो हैं, उसको हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। आपकी जो राय हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि बीजेपी को लगता है उत्तर प्रदेश की 25 से 30 ऐसी सीटें, हो सकता है आप बीजेपी समर्थक हो या अन्य पार्टी के समर्थक हो, तो आपको लगेगा 20 से 25 सीटें बीजेपी कैसे हार सकती है। हार सकती है, मैं नहीं कह रहा हूं, आंकड़े बोलते हैं, बीजेपी का इंटरनल सर्वे बोलता है, बीजेपी के पास जो विधानसभा में वोटा परसेंटेज मिला हुआ है, जो समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेटों का ऐलान किया हुआ है। वैसे तो टीवी में आ रहा है कि 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी सिमट जाएगी, कांग्रेस को कोई सीटें नहीं मिलेंगी उत्तर प्रदेश में। हकीकत में ऐसा कुछ है नहीं, कई जगहों पर समाजवादी पार्टी वास्तव में मजबूत है, ये सबको पता है, आपको भी पता है। लेकिन कुछ लोग जो ज्यादातर अंधभक्त वाली श्रेणी के होते हैं, वो कह देते हैं नहीं, बीजेपी 80 में 80 जीत रही है, 80 में 78 जीत रही है, 75 जीत रही है। वो तो वक्त बताएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं किनका टिकट कटने वाला है। पहला नाम है मेनका गांधी, सुल्तानपुर से वर्तमान सांसद, 2014 में पीलीभीत से सांसद। आप समझ सकते हैं मेनका गांधी उस समय की नेता हैं जिस समय बीजेपी का झंडा ढोने वाले लोग नहीं मिलते थे। बीजेपी के टिकट पर लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लोग लड़ने के लिए तैयार नहीं होते थे। वो समय कोई और था, ये समय किसी और का है, मोदी जी का है और शाह जी का है। मोदी जी जिसको चाहेंगे उसको टिकट देंगे, जिसको नहीं चाहेंगे उसको नहीं देंगे, क्योंकि मोदी जी ने बड़े बड़े नेताओं को ठिकाने लगा दिया। आपने एमपी में देखा होगा, आपने राजस्थान में देखा होगा, आपने छत्तीसगढ़ में देखा है, तमाम ऐसे नेता हैं जो किनारे लग गए, एकदम किनारे। महाराष्ट्र में भी आपने देखा होगा, मुख्यमंत्री जो देवेंद्र फडणवीस हुआ करते थे, उप मुख्यमंत्री पे अब आज है, वो मोदी और शाह की रणनीति है। अजय मिश्र टेनी का टिकट कटने जा रहा है, क्यों? किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का आरोप, बुलडोजर कुल चलता है, जैसे हमारे तमाम मित्र कहते हैं बुलडोजर बाबा, बिल्कुल बुलडोजर बाबा का स्वागत होना चाहिए, लेकिन इनके यहाँ तो बुलडोजर नहीं चला, इसकी निंदा भी होनी चाहिए। हेमा मालिनी, इनका भी टिकट कटने जा रहा है, उम्र ज्यादा हो चुकी है, इनको किनारे किया जाएगा। मेनका गांधी, अजय मिश्र टेनी, हेमा मालिनी, रीता बहुगुणा जोशी का टिकट कटना तय है, किनारे लगा दी जाएंगी। सत्यदेव पचौरी, इनका भी टिकट कटना तय है। देवेंद्र सिंह भोले, अयोध्या से सांसद है, इनका भी टिकट कटना तय है। अयोध्या से नहीं है, गलती हो गई, कहीं और से है, उसका नाम मैं नोट करके रखा हूं। लल्लू सिंह का टिकट कटना तय है। कौशल किशोर का टिकट कटना तय है। रमापति राम त्रिपाठी का भी टिकट कटना तय है। वरुण गांधी का तो टिकट पक्का कटेगा, 100% कटेगा, मैं नहीं कह रहा हूं, आपको खुद पता है वरुण गांधी मोदी जी को लेकर के अपने बयान देते रहते हैं, बयान कोई फालतू नहीं रहता, लेकिन बीजेपी है या कोई भी पार्टी हो, ऐसे लोगों को टिकट नहीं देगी जो उनके नेता के खिलाफ ही बोले। बयान होता है बेरोजगारी को लेकर, मुद्दों को लेकर के, वरुण गांधी का टिकट कटना तय है, ऐसा कहा जा रहा है। अमेठी से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। सत्यपाल सिंह का टिकट कटना तय माना जा रहा है। संतोष गंगवार बरेली के सांसद, 8-9 बार के सांसद, इनका टिकट कटना तय माना जा रहा है। संगम लाल गुप्ता प्रतापगढ़ के सांसद हैं, इनका भी टिकट कटना तय माना जा रहा है। और बीएल वर्मा, इनका भी टिकट कटना तय माना जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं मैंने आपको जो नाम बताए, इन नामों से कई सांसदों का टिकट कटेगा, क्योंकि कुछ की तो उम्र हो चुकी है,
उम्र मतलब 70 पार हो चुके हैं, कुछ लोग और भी हैं जो 70 पार हुए हैं, हो सकता है उनका टिकट ना कटे, लेकिन इन लोगों का टिकट कटना तय माना जा रहा है। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय व्यक्त करें। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।